मेरा सिद्धांत है कि मैं जब तक चुनौतियों का सामना पूरी तरीके से ना कर लूं तब तक मैं पूरा नहीं देखता। आज ये प्रूफ हो गया है जब हम चुनौतियों का सामना सभी तरीके से करने लग जाते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम काबिल हो जाते हैं उस बात को करने के लिए जो हम वास्तविक रूप में करने चाहते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, एमपी में टीचर है इस कारण से वीडियो बनाते हैं और उस तरीके से नहीं बनाते जो आज के लोग बनाते हैं ना। हम केवल लोगों का नेचर, लोगों का स्वभाव, लोगों की संस्कृति, क्या क्या हमारे देश की विशेषता है ना, ये सब कुछ। कल हमारा न्यूज़ भी आया था यहाँ का, वहाँ पे कक्षा में जो था ना वहाँ पे न्यूज़ भी आया था। दोस्तों, आज हम हमारी साइकिल से संपूर्ण भारत यात्रा करते हुए पूरे हो चुके हैं 653 दिन और हम पहुँचे हैं इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के हाइएस्ट जो रेलवे स्टेशन है। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में स्थित है, वहाँ पे पहुंचेगा। आप पढ़ सकते हैं क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ पे लगभग हमेशा कभी भी आते जाती रहती है, लगभग जीरो और बस उसके आसपास रहती है। हर तरफ धुंध कोहरा छाया रहता है, अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है यहाँ पर नॉर्मल रहने में। सर से पांव तक लोग ढके होते हैं, अंगीठियां जलने लग जाती है घरों में, दुकानों में, लेकिन हम हमारी भारत यात्रा में आपके साथ में एक ऐसे यात्रा की जीत को अनुभव और शेयर करने वाले हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी न जानी होगी। दार्जिलिंग की ओर फिर जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरे 7 सिस्टर पूरा करेंगे, उसके बाद फिर कवर करेंगे बिहार नेपाल होते हुए जम्मू की ओर, उसमें दिल्ली और सब आ जाएगा, उसके बाद फिर दक्षिण भारत। 11 स्टेट कंप्लीट हो चुके अभी तक के। हाँ जी जी, थैंक यू। अभी आज कर्शियांग में रुकेंगे, उसके बाद फिर कल दार्जिलिंग में, उसके बाद फिर इधर असम साइड में जाएंगे। जी हाँ, वो एक मित्र है उनके यहाँ रुकेंगे, फ्रेंड के यहाँ पे। जी जी, मेहुल भारत यात्री। जी जी ठीक। जी जी, आप कहाँ का है? मैं मध्य प्रदेश में टीचर हूँ। हाँ हाँ, ओके थैंक यू। जी अब बोलिए। अब बोलिए जो बोलते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन आप पूरा करना चाहते हो ना, वो आपका पूरा हो जाए, मेरा वही शुभकामना आपके, है ना। आपका दार्जिलिंग में आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग आप पहुंच गए हो जी, तो आगे जाके भी ये आपका जो डेस्टिनेशन है जी आपका पूरा हो जाए, भगवान से मेरा यही प्रार्थना। जी जी थैंक यू। थैंक यू। कहाँ बताया? डिफेंस है ना। जी डिफेंस। तो सर डिफेंस से थे, सर ने शुभकामनाएं दी, ऐसे हजारों लाखों लोगों की दुआएं शुभकामनाएं हमारे साथ में है। कुछ भी होने से जी जी ये नंबर में थोड़ा सा कॉल कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी हो मैं तुरंत आने के लिए तैयार हूँ। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। ओके जय जय हिंद।
सर आर्मी से है, डिफेंस से, और शुभकामनाएं देखे गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कारण से आज मैं आपके सामने जो दार्जिलिंग की मेरी विजय है, दार्जिलिंग की जीत है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, पहले दिन से ही मेरा संघर्ष महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन हाँ, मैंने पहले दिन से इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा कि मैं इस प्रकार से संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ और भारत ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जिस देश में, जिस भारत पुण्य भूमि में मेरा जन्म हुआ है, उसके बारे में अगर मैं यात्रा के पहले कुछ नहीं जानता था और अगर निकलने के तुरंत बाद ही इतना ज्ञानवान हो गया हूँ कि पहले दिन से ही मैं ढिंढोरा पीट रहा हूँ, तो मेरे ये सिद्धांत में नहीं है। मैं वास्तविक रूप में भारत को जानना चाहता था, सांस्कृतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, और इस कारण से ही मैं इतने दिन लगा दिए मैंने और बहुत ज्यादा आपको वीडियोस वगैरह नहीं सेंड की आप लोग के व्यूज के लिए। लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अभी मैं योग्य हो गया हूँ कि भारत के बारे में जो वास्तविक स्थिति है ओवरऑल सभी तरीके से आपके सामने रख सकूँ, क्योंकि मैं भारत की सभी चुनौतियों को सामना कर लिया है। मैंने ऐसे कोई क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, चाहे वो समुद्र का किनारा हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, जंगल हो, खेत हो, खलियान हो, एवरी प्लेस। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है जो कि दार्जिलिंग में स्थित है और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके साथ साथ हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट स्टेशन का भी दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, आज हमारी ये विजय बहुत बड़ी विजय हुई है, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले ही मैंने ये दार्जिलिंग की जो जीत है, या मेरी भारत यात्रा की जो जीत कह सकते हैं, एक और महत्वपूर्ण वो जीत ली है। और इस जीत में मैं अकेला नहीं, आप सभी, हम सभी सम्मिलित है। दोस्तों, मेरे से ना केवल बच्चे, बूढ़े, जवान, पूरे इंडिया जुड़ता है और मैं इंडिया से जुड़ता हूँ। मेरा मानना यह है कि मैं भारत की यात्रा निकला हूँ तो किसी एक कॉन्सेप्ट पर ना चलूँ, मैं अपनी बात सभी वे में, सभी तरीके से, सभी स्थानों पर और सभी विभागों के रूप में करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा मानना यह है, अगर कि भारत की यात्रा हम कर रहे हैं तो हम सभी पहलुओं से होकर गुजरेंगे, हम अच्छे पूरे सभी दौर से गुजरेंगे, हम भूख प्यास सभी सहेंगे, सभी मौसमों को सहेंगे, सभी प्रकार की संस्कृतियों को देखेंगे, भारत के एवरी भूभाग का हम क्या करेंगे, मुआयना करेंगे। तो बेसिक सी बात है, हमारे में वो क्षमता हो जाएगी कि हम भारत के वास्तविक स्वरूप को आपके सामने रख सके। और आज मैं मानता हूँ कि मैं वो योग्य हो चुका हूँ 653 दिन बाद कि मैं आपके सामने भारत की वास्तविक स्थिति को रख सकूँ। दोस्तों, जैसे जैसे मैं दार्जिलिंग की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे मैंने देखा था और लोग मुझसे जैसे जैसे जुड़ रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा और जिस तरीके से मैं भारत की यात्रा कर रहा हूँ आज तक किसी ने नहीं किया होगा। रास्ते में भी बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि बुजुर्ग ये कह रहे थे कि आज तक के यहाँ से हजारों लाखों लोग गुजरे होंगे, करोड़ों लोग गुजरे होंगे। मेरी उम्र 85 साल है, लेकिन मैं आज तक किसी से बात नहीं की, लेकिन आपके साथ हमने आधा घंटे से ज्यादा बात किया। ऐसे ही बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जगहों पर पहले दिन से ही मुझसे जुड़े थे और हर जगह पर किसी न किसी रूप में मेरी जानकारी पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि हम भारत को वास्तविक रूप में जान ले, उसके बारे में, उसके बारे में कहे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। अगर हम सही रूप लोगों को बताएंगे तो वास्तविक रूप में लोगों का जो नजरिया है भारत